आप सुनेंगे मैंने लॉन्ग कर ली हैं लॉन्ग का सिंपल मतलब है बाय करना अगर किसी भी चीज को आप खरीदते हैं तो आप उसको लॉन्ग करना भी कह सकते हैं ऐसे ही इकोटम आती है शॉर्ट करना शॉर्ट करना मतलब सेलिंग तो घोराई का मतलब अगर आपसे कोई आपका दोस्त बात कर रहा है मैंने लॉन्ग किया एक फ्यूचर लॉन्ग किया है मैंने एक फ्यूचर शॉर्ट किया है शॉर्ट मतलब सेल करके बैठा है लॉन्ग मतलब बाय करके बैठा है और तो अगर कोई कहीं मैंने अपना सौदा स्क्वायर अप कर दिया अप मतलब उसने अगर बाय किया हुआ था तो he has sold the trade, और उसने अगर सेल किया हुआ था तो he has bought the trade. उसने अपने सौदे को बराबर कर लिया है अब जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो आपके सामने एक वर्ड निकल के आएगा बिड एंड आस सबसे पहले समझते बिड बिड क्या है हाईएस्ट प्राइस बायर इज िलिंग टू पे फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक आप किसी स्टॉक के लिए बेस्ट ब्रिड क्या लगाना चाहते हैं है, माल बिखरा होता है आप खरीदना चाहते हैं दो सौ रुपए में बेचना चाहता है आपके तो यार की डिमांड बहुत हाई है बहुत आपका एंटीसिपेशन बहुत तो आप तो नहीं, दो सौ नहीं मैं दो सौ एक में खरीदने को तैयार बैठा हूँ तो दो सौ एक में आपको देखा जाएगा समझिए तो बेस्ट बायर जब आप बनते हैं तो आप ब्रिड लगाते हैं ऐसे ही जब आप आस्क करते हैं तो सेलर कहता है माल बेचना चाहता हूं कौन खरीदना चाहता है मैं एक ऐसा प्राइस देना चाहता हूँ जिसको मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ एज अ सेलर तो बेस्ट लोएस्ट प्राइस की इससे कंपनी तो नहीं बेचूंगा इससे कंपनी वो प्राइस रहेगा Net positions. Net positions क्या है? मतलब बेसिकली टोटल आउटस्टैंडिंग पोजिशन हमारी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विच आर नॉट स्क्वेड ऑफ सपोज आपने टाटा मोटर्स के आपने हंड्रेड शेयर खरीद लिए आपने रिलायंस के दस शेयर खरीद लिए आपने इन्फोसिस के पचास शेयर खरीद लिए काटे नहीं हैं पर आपने हिंदुस्तान लीवर के पचास शेयर लिए थे और पचास शेयर बेच भी दिए आपने प्लस माइनस करके बराबर कर दिया तो हिंदुस्तान लीवर आपकी नेट पोजिशन में नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको खरीद के बेच दिया था बट हाँ क्योंकि आपकी आउटस्टैंडिंग पोजिशन टाटा मोटर्स में है रिलायंस में है इन्फोसिस में ये आपके आउटस्टैंडिंग पोजिशन हे एट

तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का समझ गया अब रिलायंस का शेयर चौबीस सौ रुपए का तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या वैल्यू कितनी रह जाएगी दो लाख चालीस हजार तो दो लाख चालीस हजार में से ये जो लॉस हुआ है आपको आपने स्क्वायर अप नहीं किए सौदे काटे नहीं है सौदे खड़े हैं तो ये जो दस हजार रुपए का लॉस है दिस इज दिस विल बी टर्म एज एमटीएम लॉस अगर इसका उल्टा तो आपने चौबीस सौ रुपए में खरीदा था अब भाव पच्चीस सौ रुपए हो गया है, तो दस हजार रुपए का आपको हो जाएगा प्रॉफिट काटा नहीं है बुक नहीं किया बुक्स में आपने उसको ऐड नहीं किया बुक्स में जब ऐड हो गया उसको सौदे को काट देंगे आप तो जब तक नहीं काटा है ओपन पोजिशन है आउटस्टैंडिंग पोजिशन है तो दिस इज नोशनल तो दिस विल बी एम प्रॉफिट तो जब आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं फ्यूचर ऑप्शन में जब मार्जिन लेकर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं आपने सिर्फ बीस पच्चीस परसेंट पैसा देकर तो क्या कहता है एक्सचेंज क्या है है कि आपको आपका आपका को मेंटेन करना होगा मतलब उस दिन में अगर शेयर गिरता है, तो आपको इस एम लॉस को उसको ट्रांसफर करना ही होगा या तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन ब्रोकर के अकाउंट में छोड़ के रखेंगे ताकि आपको बार बार इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े बार बार पैसा ट्रांसफर ना करना पड़े तो मेरी आपसे एडवाइस है जब आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करना स्टार्ट करेंगे जब आप एम के नाम का एक्स्ट्रा पैसा ब्रोकर के पास पहले छोड़ कर रखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दो लाख चालीस हजार रुपए चाहिए एक रिलायंस के शेयर्स को खरीदने के लिए तो दो लाख चालीस हजार के बजाय दो लाख साठ हजार दो लाख सत्तर हजार दो लाख अस्सी हजार रुपए आप ये देखिए कोई शेयर एक दिन में एवरेज कितना गिरता है कितना बढ़ जाता है उसकी एवरेज हिस्ट्री निकाल के देखिए होमवर्क कीजिए होमवर्क करने से पता है क्या लगेगा आपको पता रहेगा कि रिलायंस की डेली की चाल क्या रहती है अगर रिलायंस डेली डेढ़ परसेंट की वोटिलिटी देता है तो एक डेढ़ परसेंट पैसा एक्स्ट्रा रखिए दो लाख चालीस हजार के ऊपर एक परसेंट एक्स्ट्रा लगाइए चौबीस हजार और लगाइए दो लाख चालीस हजार प्लस चौबीस हजार एक्स्ट्रा रखिए तो आप उस एम टूम को उस दिन मीट कर सकते हैं रेयर चांसेस होंगे जब एम टूम उससे ज्यादा होगा ठीक है ना तो आपको एम टोम लॉसिस को मेंटेन करना ही होगा ये एक्सचेंज की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है है मार्जिन रूल्स बहुत टाइट हो गए अब आपको एक मिनिमम मार्जिन मेंटेन करना होता है फॉर एग्जांपल आप चाहे इक्विटी खरीदें चाहे फ्यूचर्स खरीदें अब एक्सचेंज कहते हैं कि आपके पास में एक दिन में एक मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में होनी ही चाहिए कुछ भी खरीदने से पहले अगर सौ रुपए चाहिए एक पर्टिकुलर शेयर खरीदने के लिए तो, तो सौ रुपए आपके अकाउंट में अपफ्रंट होने चाहिए एट ए टाइम होने चाहिए जब तक वो अपफ्रंट मार्जिन आपके अकाउंट में नहीं हुआ मिनिमम मार्जिन नहीं हुआ आप पोजिशन नहीं ले सकते ब्रोकर अब आपको नहीं लेने देंगे पहले क्या होता था, था आप ब्रोकर को कहते यार मेरी गुडविल अच्छी है मैं कितने टाइम से आपका काम कर रहा हूं इतना पुराना आपका क्लाइंट हूं मुझे ये खरीदना है खरीदने दीजिए वो खरीदने देता था उससे इसमें आप चेक दे देते थे चेक तीन दिन में क्लियर होता था कोई इशू नहीं था बट क्योंकि डिफॉल्ट या केसेस बढ़ने लगे लोगों ने इसका मिस किया तो एक्सचेंज ने अब इन रूल्स को टाइट कर दिया अब आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप

है कि कोई भी अब उस शेयर को बेचने को तैयार नहीं है मतलब डिमांड ही डिमांड जब हाईएस्ट डिमांड हो जाती है, day, तो अपर में लग जाता है कोई भी बेचना नहीं चाहता है इसके विपरीत रहता है लोअर सर्किट मतलब एक दिन की लिमिट निर्धारित है या तो पांच होगा दस होगा पंद्रह हो कुछ भी हो सकता है वो लिमिट तय की गई है एक्सचेंज के द्वारा उसको हम कहते हैं लोअर सर्किट आपने बड़ा भारी शब्द सुना होगा मार्केट क्रैश मार्केट क्रैश से लोग बहुत डरते हैं मार्केट क्रैश क्या होता है मार्केट क्रैश को अगर जनली देखा जाए अगर इसको हम गए मार्केट है ये मार्केट चल रहा है अगर सडन क्रैश आता है मतलब 90 डिग्री का फॉल ये डिग्री वाइज कोई डेफिनेशन नहीं है बट फिर भी समझने की वाली बात है चार पे जो दिखाई मार्केट क्रैश होती है नाइन्टी डिग्री से बदला गिरता है तो मार्केट अपने हाई से कम से कम फोर्टी के आसपास करेक्ट हो जाता है करेक्ट ये फोर्टी परसेंट का फॉल आता है, है किसी पैनिक सिचुएशन में किसी पेंडेमिक में जैसा अभी कोविड के टाइम पे हुआ था सब प्राइम क्राइसिस के आसपास में हुआ था ऐसी सिचुएशंस में बाजार गिरता है तो उसको हम कहते हैं मार्केट क्रैश अदरवाइज जो भी करेक्शन जो भी मार्केट फॉल होता है उनको हम कहते हैं मार्केट करेक्शन